दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अच्छी पहल की शुरुआत करते हुए बीमार पशुओं के लिए एम्बुलेंस सुविधा, जो कि 100 नंबर लगाओ और पुलिस बुलाओ, 108 नंबर लगाओ और एम्बुलेंस अपने गांव बुलाओ, इसी तर्ज पर बीमार पशुओं का बड़ी आसानी से इलाज हो सके, इसके लिए 1962 एम्बुलेंस सुविधा शुरू की गई है। ये गाड़ी पिपलोन कला पहुंची, जहां पर आवारा पशु जैसे कि गायों को पशु चिकित्सा अधिकारी अशोक चौहान द्वारा गायों को टीकाकरण लगाया जा रहा है, ताकि इन पशुओं में लंपी वायरस ना फैले और किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इन बेजुबान पशुओं में लंपी वायरस की खतरनाक बीमारी फैली थी, जिसके चलते कई पशु मर चुके थे। इसी को रोकथाम के लिए यह टीकाकरण किया जा रहा है। इनके घनश्याम सिंह राजपूत, जो कि मैत्री कार्यकर्ता हैं, वो भी इस गाड़ी के साथ आए थे और उनके द्वारा भी यह कार्य किया गया। गाड़ी आई है, ये किस साइड से आई है यहाँ पर? आज ग्राम पिपलोन कला में लंपी जो बहुत भयंकर बीमारी है जी, उसकी वैक्सीनेशन किया गया है जी, और पूर्णतः वैक्सीनेशन किया गया है। कितने गायों का लगाया सर वैक्सीन आज तक? आज 350 गायों को वैक्सीन किया गया, लगाया गया पिपलोन कला क्षेत्र में। और सर, ये गाड़ी का क्या नंबर, जो ग्रामीण अगर बुलाना चाहते हैं गाँव के? 1962 बुलाओ और गाड़ी को बुला लो गाँव। इस गाड़ी का कैसा क्या रहता है सर, इलाज का उपचार कैसे क्या होगा, मतलब पैसा लगेगा क्या ग्रामीणों का? 150 रुपये सरकारी टिकट आती है, 150 रुपये लगेगा उनके, जमा करने पड़ेंगे आपको। हाँ, और गाड़ी आपके घर तक सुविधा रहेगी? आपकी घर पहुँच है। कितने देर में सर गाड़ी पहुँच जाती है या अपने घर फोन लगाएगा कोई? तो अलग अलग लेवल रहता है, सुपर एल वन 6 घंटे में, L1 12 घंटे के अंदर अंदर आपके पहुँच जाएगी गाड़ी। यहाँ पर सब प्रकार का इलाज होगा इस प्रकार का? और कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, खाली 150 रुपये ये जो राशि कटती है वही 150 रुपये देना पड़ेगा। हाँ, साल से शुल्क। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार। आप यहाँ पर क्या पोस्टिंग पे हो सर? सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। क्षेत्र अधिकारी।